हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। तो देखिएगा इस वीडियो के अंदर अपना यह है एनवायरनमेंट के सेट नंबर 5 देखेंगे। इस वीडियो के अंदर 1 से 4 तक अपन कवर कर चुके हैं, यानी 100 एमसीक्यू अपन ने कवर कर लिए हैं। आगे देखते हैं अपन अपना 101 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अपन 1000 क्वेश्चंस कर रहे हैं, एग्जाम से पहले पहले कर लेंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताए जा रहे हैं उनको भी अच्छे से नोट करके रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर है? तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर निकल के आएगा एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा, जैसे कान्हा पैंच वगैरह ये सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और ये जो टाइगर रिजर्व एक्ट था वो आपको ध्यान में रखना है, 1972। तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर हो जाएगा? ये क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके अंदर है? तो वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ आवर का मतलब क्या होता है कि अर्थ आवर, आवर का मतलब आवर समझते हो, आवर यानी घंटा, ठीक है। तो देखिएगा एक साल के अंदर एक घंटा ये सब फिक्स किया गया है, जिसके अंदर अपन जितने भी गैर जरूरी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, बल्ब्स हैं, इनको अपन बंद कर दें, ठीक है। एज मतलब कहे तो एक घंटे अपन कैंडल वगैरह जलाएं, तो यानी एक घंटे अपन बंद कर दें गैर जरूरी जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं, ठीक है, यानी इसके प्रति, एनर्जी के प्रति। तो यहाँ पे जो ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है WWF के द्वारा। अब अगर अपन इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो आप इसके अंदर फुल फॉर्म देखिएगा, सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। पूछी जा सकती है आपसे कि WWF की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मतलब क्या है, ये सेलिब्रेट करता है किसको, लाइट कैंडल को करता है विद फायर है, और लाइट ऑफ, लाइट को ऑफ रखता है। नेक्स्ट मार्च ये मनाया जाएगा, 28 मार्च 2020 को ये मनाया जाएगा नेक्स्ट। और ध्यान दीजिएगा इसका जो टाइम होता है एक घंटे, वो होता है 8:30 से 9:30। और ये किससे रिलेटेड होता है, ये क्लाइमेट चेंज से होता है। यहाँ पे आप देखिएगा अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा नेचर ये होता है द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह आयोजन प्रतिवर्ष 8:30 से 9:30 बजे तक एक घंटे के लिए गैर जरूरी इलेक्ट्रिक लाइटों को बंद करने के लिए व्यक्ति, समुदाय, व्यवसाय को प्रोत्साहित करते हुए आयोजित किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन अथॉरिटी? यह अपन कहे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं अपन, GTT को ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ठीक है। NGT की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब देखिएगा इसके पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, तो आपसे पहला अध्यक्ष पूछ लिया, तो इसका आपसे वर्तमान भी पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे, इसका बोर्ड कहाँ पे, ये दिल्ली के अंदर है। ये क्या करता है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल करता है। तो ये इसके जो पहले थे वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह। यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। ये तो पहले थे, तो वर्तमान कौन है, तो वर्तमान भी आपको ध्यान में रखना है, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल प्रेजेंट चेयरपर्सन है किसके, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। टिक का मतलब होता है ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये इंग्लिश टर्म यहाँ पे मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हाइड्रोपोनिक्स? अब ये हाइड्रो का मतलब अपन किससे रिलेट करते हैं, जल या वाटर से। जो हाइड्रोपोनिक्स किससे रिलेटेड है, पौधों की बहुत सी संस्कृति या जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सब्जियों के अध्ययन। तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोपोनिक्स रिलेट करता है किससे, पौधों की संस्कृति से, या पौधों के टाइप से, या पौधों की प्रजातियों से, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स रिलेट करता है पौधों की प्रजातियों से संबंधित है। 105 नंबर क्वेश्चन है, जवाई के जंगल किस प्रदेश में स्थित है? वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इन विच स्टेट आर द जवाई फॉरेस्ट? जवाई के जंगल किस प्रदेश में, राजस्थान, यूपी, MP, बिहार। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर आप बात करोगे तो पाली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे स्थित है ये, राजस्थान के पाली के अंदर, पाली जिले में स्थित है, और इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, या सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कौन सा जो हिस्सा नहीं है, जो हिस्सा नहीं है वो हो जाएगा पॉल्यूशन कंट्रोल वाला। नेशनल मिशन फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल है, इसको अपन है ना जल से रिलेट नहीं करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल है, ये जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। बाकी कौन कौन से हिस्से हैं, वो है एक तो वाटर मिशन है, दूसरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन है, और तीसरा है सस्टेनेबल हाउसिंग। ये तीन मिशन इसके अंदर रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? द ग्रीन इकोनॉमी इज हेडेड बाई, किसके द्वारा हेडेड किया जाता है? UN या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या यूरोपियन यूनियन, या IUCN। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मेन मकसद ये है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को बिल्कुल हरा भरा रखा जाए। तो ये किसकी, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन।
तो यहाँ पे अपन देखते हैं यूएन, इसकी जो एब्रीवेशन होता है अपन इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी आपसे स्थापना पूछी जा सकती है। यूएनईपी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है यूएनईपी, यूएनईपी की स्थापना हुई थी 5 जून 1972। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो केन्या के नैरोबी के अंदर स्थित है, ठीक है। और अपना जो यूनाइटेड नेशन है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, लेकिन यूएनईपी की हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या। इसके हेड कौन है एट प्रेजेंट, तो आपको पता होना चाहिए एंजर एंडरसन है, और ये कहाँ के, डेनमार्क के, ठीक। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, और सभी के सभी आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। यूएनईपी का आपका हेड पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसकी स्थापना कब हुई, ये सब कुछ पूछी जा सकती है, ठीक है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की थी। 1986 पर्यावरण अधिनियम, तो आपको ये ध्यान में रखने कि नॉर्मल सा क्वेश्चन बन सकता है। पर्यावरण अधिनियम या जो एनवायरमेंट एक्ट है कब लागू हुआ, तो 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की थी, कौन सा प्रदेश था, तो अपने पास आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है। गंगा डॉल्फिन, आपको ये टर्म्स ध्यान में रहना चाहिए, भारत का जो जलीय जीव है वो किसको घोषित किया गया, गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया। भारत का जो जलीय जीव है किसको घोषित किया गया, गंगा डॉल्फिन को, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिहार के अंदर स्थित है गंगा डॉल्फिन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो आपको आंसर होना चाहिए गंगा की डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है। ABS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जिसका मतलब होता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई प्रोटोकॉल है, जरूर एग्जाम में आपसे एक प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोटोकॉल हो गया, उसको कब साइन किया गया था, वो कब अस्तित्व में आया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और वो किससे रिलेटेड है, तो प्रोटोकॉल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे अपन बात करें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो ये रिलेट करता है नगोया प्रोटोकॉल से। अगर अपन बात करें नगोया, तो नगोया कहाँ पे स्थित है, नगोया जापान के अंदर, नगोया जापान के अंदर स्थित है। अब इसको साइन कब किया गया, ध्यान दीजिएगा, साइन को मैं ऐसे लिखता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोनों एग्जाम में पूछी जाती है, साइन कब किया गया और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया या कब ये इफेक्ट हुआ, इफेक्टिव कब हुआ। तो इसको साइन किया गया था नगोया प्रोटोकॉल को 2010 के अंदर, और ये साइन कब हुआ, ये इफेक्टिव हुआ 14 से। अगर बाकी और देखें इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योटो, क्योटो आपने नाम सुना होगा, क्योटो भी कहाँ पर है, जापान के अंदर स्थित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट, या आप कह सकते हो जलवायु परिवर्तन, या आप कह सकते हो ग्रीन हाउस गैसेज, या आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग, इनसे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो कहाँ पे, जापान के अंदर है, नगोया भी जापान के अंदर है। एक मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल किससे संबंधित है, ये ओजोन लेयर से संबंधित है, मॉन्ट्रियल ओजोन लेयर से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा के अंदर है, मॉन्ट्रियल कनाडा। जेनेवा प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, अभी भारत पाकिस्तान के बीच में ये थोड़ा सा ये चल रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि क्लस्टर बम फेंक दिया ना, ये यानी जेनेवा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तो ये जेनेवा प्रोटोकॉल वही चीज़ है, यानी इसके अंदर दूसरी कंट्री के विरुद्ध, या कह सकते हैं जो केमिकल वेपन्स है, यानी जो रासायनिक हथियार है, इनका यूज करना पाबंद लगाया गया है इनके ऊपर। तो जेनेवा प्रोटोकॉल से ये संबंधित, और जेनेवा आपको पता ही होगा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर आपको मैं बताऊँ क्योटो का, क्योटो को साइन कब किया गया, क्योटो को साइन किया गया 1997 के अंदर, और ये इफेक्टिव हुआ 2005 के अंदर। मॉन्ट्रियल की बात करें, मॉन्ट्रियल को साइन किया गया था 1987, और ये इफेक्ट हुआ था 2 साल बाद में 1989 के अंदर, ठीक है। जेनेवा की बात करें अपन, इसको साइन किया गया था 1925 के अंदर, और ये इफेक्ट आया था 1928। तो अब जेनेवा वाला ध्यान में रखना है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके के अभी एक्शन हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपसे जेनेवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको साइन किया गया था 1925 के अंदर, यानी आज़ादी से पहले ही कर लिया था, और ये इफेक्ट हुआ था 1928 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको बता दिया मैंने, ये साइन हुआ था 2010 के अंदर, और इफेक्ट हुआ था 2014 से। नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है, ये 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये कहा जाता है नागपुर को, और नागपुर कहाँ के, कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है।
महाराष्ट्र की सिटी है नागपुर, जहाँ पे अपन आरएसएस का हेडक्वार्टर यहाँ पे स्थित है नागपुर। यहाँ पे अपने को कुछ इनके सेंटर बताना कि किसका सेंटर कहाँ पे है। ये बायोडाइवर्सिटी का सेंटर कहाँ पे है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर का सेंटर कहाँ पे है, इंटरनेशनल मैच एंड वेट इंप्रूवमेंट सेंटर कहाँ पे है, अपने को मैच करना है। यहाँ पे अपने को ऑप्शन दे रखा है इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, फिलीपींस, इटली। तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का जैव विविधता कहाँ पे स्थित है, खाद्य से संबंधित यानी चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा ए, तो बायोडाइवर्सिटी है इटली के अंदर। अगर अपन बात करें राइस रिसर्च फिलीपींस के अंदर, और ये मैच और वेट है ये कहाँ पे स्थित है, मैक्सिको के अंदर। तीन ये सेंटर पूछे गए। जैव विविधता का इटली के रोम में के अंदर स्थित है, चावल अनुसंधान है वो फिलीपींस के अंदर स्थित है, और जो मक्का और गेहूँ सुधार केंद्र है वो मेक्सिको के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है, तो अभी अभी हमने देखा इटली के रोम के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। रोम कहाँ पे, इटली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के नॉन कन्वेंशनल सोर्स पूछे गए। ऑप्शन अपने सामने, साले गैस या कोयला तल की मिथेन या सख्त बलुआ पत्थर या मिथेन हाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के सभी, ऑल दीज नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। CATES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म भी अगर अपन बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड आल्सो नॉन एज वाशिंगटन कन्वेंशन, CITES, ये इसकी फुल फॉर्म है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है, यानी वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, इसी प्रकार से अपन मॉन्ट्रियल देखा, तो ये वाशिंगटन कन्वेंशन है। ये किससे रिलेटेड है, ये पर्यावरण से संबंधित है, और जितने भी वन्य जीव वनस्पति है उनकी लुप्त प्राय प्रजाति है इनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। तो दी इसकी फुल फॉर्म देखिएगा, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड मतलब लुप्त प्राय जितने भी स्पेसीज हैं उनके बारे में। वाशिंगटन से लुप्त प्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि है। अगर दूसरी बात अगर अपन इसमें बात करें, 1963 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी भी फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। सम्मेलन 1973 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और 1 जुलाई 1975 से ये लागू हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 1975 से। क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है, विद होम इज द क्लार्क बी बेविन अवार्ड रिलेटेड, तो ये रिलेट करता है किससे, वन्यजीव सुरक्षा से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें यह है क्लार्क बी बेविन। इसी प्रकार से अगर अपन भारत के अंदर बात करें तो आपको नाम ध्यान में रखना सलीम अली, सलीम अली। ठीक है, अगर इनके बात करें तो इनके नाम पे एक नेशनल पार्क है और इनके नाम पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गृह मानक किससे संबंधित है, वाटर स्टैंडर्ड, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड, नन ऑफ दीज। अगर अपन बात करें गृह, तो यह रिलेट करता है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से रिलेट करता है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है गृह, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं अपन। गृह ग्रीन रेटिंग के लिए एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए एक संक्षिप्त है। गृह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है निवास। ह्यूमन हैबिटेट्स पर्यावरण के साथ विभिन्न तरीकों से बातचीत करते हैं, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट, हैबिट असेसमेंट, जिसका यह संस्कृत वर्ड से लिया गया जिसका मतलब अबॉर्ड यानी निवास। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, इसके चेयरमैन के बारे में पूछा गया, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। प्रेमबिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश के अंदर स्थित है, प्रेमबिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितने भी नेशनल पार्क है जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप एग्जाम में सभी देखी जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो आपको या आप सर्च मार लीजिएगा नेशनल पार्क बाई नामदेव अकेडमी, तो आपको मिल जाएगा जितने भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन पर आधारित वीडियो आपको ट्रिक वाइज दिए गए हैं, तो आपको जरूर मिल जाएंगे। तो ये पूछा गया कि ये जो प्रेमबिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है,
तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा केरल के अंदर, और ये केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? अब देखिएगा, ये एक अलग ही प्रकार का संधि या प्रोटोकॉल आ गया जो अंटार्कटिका से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है? खनन से रिलेटेड है, माइनिंग से, प्रोहिबिट्स माइनिंग। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रोहिबिट माइनिंग से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो आपका पता होना चाहिए अंटार्कटिका। तो यहाँ पर अपने पास आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। जेनेवा, ये टोक्यो नहीं, ये क्योटो है, KYOTO, क्योटो प्रोटोकॉल अपन ने देख ही लिया है। जेनेवा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रासायनिक ये रासायनिक हथियार है इनके यूज से। और क्योटो को अपन ने देख लिया, क्योटो रिलेटेड किससे? ग्रीन हाउस, जलवायु परिवर्तन वगैरह से। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह ओजोन से रिलेट है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ध्यान दीजिए, समुद्री पूछा गया यहाँ से। मेरिन नेशनल पार्क कौन सा भारत का पहला? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। मेरिन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मेरिन नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला था? फास्ट फूड होता है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं ज़्यादा सेवन करने से, तो किस देश में इसका आंदोलन चला था? तो आपका आंसर हो जाएगा इटली। इटली रोम के अंदर खाद्य वो सेंटर भी स्थित है। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफिल और कार्बन का मुख्य सोर्स क्या था? ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए जिसके प्रति जो रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल और कार्बन अपन जिसको बोलते हैं, इसका मुख्य सोर्स क्या है? वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल या केरोसिन। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। और अपन बात करेंगे ओजोन लेयर से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। किससे संरक्षित है? मॉन्ट्रियल कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर स्थित है। मॉन्ट्रियल ओजोन से संबंधित है। अगर अपन बात करें मॉन्ट्रियल को साइन किया गया था 87 के अंदर 1987, और इफेक्ट हुआ था मॉन्ट्रियल 1989, दो साल का गैप है। ध्यान दीजिएगा, मॉन्ट्रियल ओजोन कनाडा 1987 साइन और इफेक्टिव 1989। निम्न पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन पदार्थ करेगा? किसको जलाने पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन आपके सामने, प्राकृतिक गैस, केरोसिन, गैसोलीन, प्रोपेन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन। केरोसिन को जलाने से सबसे ज़्यादा CO2 उत्पन्न होती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, चट्टानों के कितने प्रकार है? रॉक्स टाइप्स पूछे गए आपसे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीन प्रकार है। तीन कौन कौन से हैं? अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। चट्टानों के तीन प्रकार है, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित चट्टान। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।